ये सारा सामान कितने का है? सारा खरीदना है मेरे को, ये सारे आम खरीदने हैं, ये भी खरीदना है और ये भी खरीदना है। बहुत मेहनत कर रहे हो अंकल इस उम्र में भी। एक एक किलो पैक कर दो अंकल ये। बहुत देर से देख रहा था अंकल, गाड़ी में बैठा हुआ था मैं अंकल जी उदास बैठे हुए हैं। सब ठीक तो है अंकल? कितनी उम्र अंकल जी आपकी? 71। 71 साल के अंकल जी, फिर भी अंकल इतनी मेहनत। ये लो मेरा जन्मदिन है, आम ले जाओ, मेरा जन्मदिन है आज। लोग बाग गलत गलत भी खाने लगे, साला पिज्जा बर्गर मोमोज ये सब चाइनीज खाना खाने लगे, साला इंडियन खाना छोड़ के चाइनीज पसंद करने लगे लोग बाग। तो बीमारी तो चाइना से ही लाएंगे घर में। तो आप भी तो गुटखा आपने भी खाया हुआ है? हाँ खाता हूँ कभी कभी, ऐसी बात मत खाओ ना फिर। ये सारा सामान कितने का है? सारा खरीदना है मेरे को, ये सारे आम खरीदने हैं, ये भी खरीदना है और ये भी खरीदना है। हाँ जी सब सब खरीदना है अंकल जी। 900 का है। लास्ट बताओ कितने? आपसे ज़्यादा नहीं बताए हैं, 900 का वही हो जाएगा, मगर तरबूजा 200 से कम का नहीं होगा। अच्छा वो कम नहीं होगा, इसमें कम हो जाएगा? आप 850 दे दीजिए। 850 डन कर दें? डन कर दो, थैली में पैक कर दो। बहुत मेहनत कर रहे हो कल इस उम्र में भी, इस उम्र में भी बहुत मेहनत कर रहे हो आप। एक एक किलो पैक कर दो अंकल ये, एक एक किलो की थैली बना दो। बहुत देर से देख रहा था अंकल, गाड़ी में बैठा हुआ था मैं अंकल जी उदास बैठे हुए हैं। सब ठीक तो है अंकल? ये जो रोड बन रहा है ना, हाँ इसीलिए माल नहीं है। अच्छा रोड पे काम चल रहा है, इस चक्कर में माल नहीं निकल रहा। सामान जैसा होगा वैसा यहाँ तो। कितने उम्र अंकल जी आपकी? 71। 71 साल के अंकल जी, फिर भी अंकल इतनी मेहनत। करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी, सही बात है भैया। जब तक सांस है जब तक तो करनी पड़ेगी। हाँ क्या बात। हमारे फादर जो थे, हाँ जी 117 बरस के थे। 117 साल के? एक दांत नहीं टूटा था, बाल दो आना करीब में पका था। ओहो हाँ, उनका वजन था कम से कम 1 क्विंटल 22 किलो। मतलब जो जीवन जी कर गए हैं वो उम्र 117 साल। पहले का खान पीन था, खाद फूद भी राइट 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 राइट। अभी तो 80 पार नहीं हो रहे, विकेट गिर जा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा? 80 पार नहीं हो रहा, विकेट गिर जा रहा है। 40 नहीं पार हो रहा, विकेट गिर जा रहा है। वो खान पान पहले वाला नहीं है भैया? हाँ खान पीन पहले वाला। दुनिया की तरह की बीमारी हो गई है शरीर में, बीमारियाँ बहुत हो गई है। सही बात है, बीमारी बढ़ गई। लोग बाग गलत गलत भी खाने लगे, साला पिज्जा बर्गर मोमोज ये सब चाइनीज खाना खाने लगे, साला इंडियन खाना छोड़ के चाइनीज पसंद करने लगे लोग बाग। तो बीमारी तो चाइना से ही लाएंगे घर में। तो आप भी तो गुटखा आपने भी खाया हुआ है? हाँ खाता हूँ कभी कभी, ऐसी बात मत खाओ ना फिर। क्या करे सर, नींद आने लगती है कभी कभी अब ड्यूटी। अच्छा। पीरियड में तो मजबूरी। तो इसके आदत छूट जाएगी बहुत सारे तरीके। हाँ आज चिलम खाओ, सेंटर प्रेस खा लो, नहीं फिर? लेकिन एक इसका अमल होता है ना जो कि वो आदि बन जाता है बार। काम भी करते हैं। लेकिन अंकल भैया कह रहे हैं मैं आदि बन चुका हूँ, क्या किसी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता? छोड़ने का तो छूट जाएगा, ऐसी बात नहीं। कोशिश तो कई बार की है लेकिन फिर मन मानता नहीं है। एक बार ठान लोगे ना भैया, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना छूटे। वो छूट जाएगा, आपने ठान लिया तो मैटर समझ लो हो गया। दिन भर में 150 रुपये केवल गुटका गुटका में चले जाते हैं। अंकल जी भैया हेलो, ये लो मेरा जन्मदिन है, आम ले जाओ। बहुत बढ़िया भैया। धन्यवाद भैया। हेलो हेलो, मेरा जन्मदिन आज। बहुत बढ़िया ठीक हो भैया? बहुत बढ़िया। नहीं रहते हो आप? हाँ। अच्छा मेडिकल की शॉप है, इधर आओ फिर, मेडिकल की शॉप है। तो भैया कह रहे हैं मेरे से गुटखा नहीं छूट रहा, तो छुड़वाओ गुटखा, कैसे छूटेगा? ये नहीं छोड़ने वाला है तो। अच्छा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, मैं बिना कॉन्फिडेंस के छूटेगा? आपने रजनीगंधा खाते हैं? अभी रजनीगंधा खाते हैं? खाली कह रहा है। अरे खाली कह रहा है यार। सर भी देखते हैं आपकी वीडियो ना डॉक्टर, मैं कह रहा था सर वो खड़े हुए हैं, मेरे बाल कटा के आप कार के अंदर। हां जी हां जी। फिर हर दिन फ्री करते रहते हैं, अभी तो आज इधर करा है, दिल्ली में रोज करते हैं,
कभी सब्जी कभी कुछ कभी कुछ। आपका आशीर्वाद है भैया। ना ना ना, आपकी वजह से मैं हूँ। आप मेरे को लाइक करते हो वीडियो पे, और मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन भैया मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा आपकी वीडियो, देखता हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, हर कुछ ना कुछ दिन आप दिल्ली में फ्री करते ही रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज आप यहाँ कब आए हो? गए ये सामान लेने। अच्छा अच्छा, हाँ वो मैंने देख लिया था भैया। हैप्पी बर्थडे भाई को हम लोग की तरफ से, हमारी हॉस्पिटल। लेकिन हैप्पी बर्थडे तब मेरे को विश करना जब आप ये छोड़ दोगे। छोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ स्वाद क्या है इसके अंदर? स्वाद तो कुछ है नहीं। देर यार, ये हमारी एम्बुलेंस है। आपकी एम्बुलेंस है? लोगों का जीवन बताते हो आप? जीवन बचाता हूँ, मौत से खेलते हैं, मौत के। तो अपना जीवन तो बचाओ पहले आप। हाँ हम भी बचाना सोचते हैं। हो गया, हो गया। आजा रमेश को भी दो, रमेश आजा। अच्छा भैया मेरा जन्मदिन है, कैसा लगा? ओके, हैप्पी बर्थडे कह दे फिर। मेरा जन्मदिन आज, ले लो अंकल, ले लो हैप्पी बर्थडे भैया। मेरा जन्मदिन आज, लो भैया मेरा जन्मदिन आज, लो भैया। येलो येलो, मेरा जन्मदिन आज। आंटी जी मेरा जन्मदिन आज। धन्यवाद धन्यवाद, आशीर्वाद दे दिया आपने। येलो ये भी लेके जाओ। अंकल आखिरी रह गया, ये अंकल का है। अंकल कभी इतना सामान निकला आपका? नहीं निकला, पहली बार। तो ये घर पे बैठ के खाना और मूवी देखना बढ़िया सी कोई। आपका यही जो छुट्टी छुट्टी हो गया अंकल जी का। अंकल जी ने भैया मेरे को पैसे बताए थे 850 रुपए, पहले बताए 900 रुपए, फिर डिस्काउंट दिया मेरे को 50 रुपए का। अब अंकल जी को 900 रुपए दें या 850 दें? अब भैया की खुशी के ऊपर है, जो दे दे ले लो खुशी से। कितना अंकल को दे, 850 या 900? 1000। 1000 दे भैया। कितने पैसे दे अंकल जी को, 850, 900 या 1000? 1000 दे लो अंकल। 500 ये लो, 1000 भैया का नाम बता ली भैया भाई। ये लो 1500, ठीक है अंकल जी। ये लो 2000। खुश हो जाओ भाई, हो तो ऐसे हो। ठीक है अंकल, आशीर्वाद दो मेरे को, मैं चल रहा हूँ। ठीक है अंकल, खुश रहना ऐसे ही। कैसा लगा? आता रहिएगा। आई लव यू बोल दो। आई लव यू, क्या बात है। एक ही बात बोलनी है अंकल आपने जीवन भर, सही है, सब कुछ सही है। ठीक है ना अंकल, बोलो सही है। सही है, हाँ। खुशी खुशी जिंदगी बिताओ अंकल जी, कभी परेशान मत होना, उदास मत होना। परेशान तो उदास होता रहा। उदास मत होना अंकल जीवन में, आपने देखो आपकी इतनी जिंदगी निकल गई। उदास होकर कुछ मिला आपको? परेशान होकर कुछ मिला? नहीं मिला ना। हंसते रहना अंकल, ठीक है। आई लव यू। आप रहिए कि आप ऐसा आदमी को, हर आदमी। क्या कह रहे हो अंकल जी, क्या कह रहे हो दोबारा बोलो। ये बात कर रहे हैं जी, 1000 बरस यहाँ रहिए जी, कि हर आदमी आपका आशीर्वाद देते रहे। क्या बात है अंकल, आपका प्यार मिल गया जिंदगी भर सहलका मचाऊंगा अंकल मैं अब। ठीक है अंकल, आगे एक आंटी खड़ी, उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ मैं। ओके ठीक है अंकल, बाय बाय। उनका धन्यवाद करना ऊपर वाले का।